से मानसू आज लेके आ गए अपने चैनल की एक और नई वीडियो। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो उस बाइक पे रहने वाली है जो हम यंगस्टर्स को बहुत पसंद थी। तो हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज KTM RC 200। तो आज करेंगे इसका रिव्यू, तो बने रहिएगा एंड तक। तो बात करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइलिंग से। इसमें हमें ये दो प्रोजेक्टर्स मिलते हैं, ये जो दो प्रोजेक्टर्स हैं, और यहाँ दो LEDs मिलती हैं। और ये जो मॉडल है रहने वाला, ये 2016 का मॉडल है KTM RC 200। यहाँ हमें ये इसके फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक मिलती है और इसके बैक में भी डिस्क ब्रेक मिलती है। ये आप इसका पूरा रिव्यू देख सकते हैं। ये जो पूरी बॉडी है इसकी, ये पूरी प्लास्टिक है। इसकी टेल लाइट की बात करेंगे तो बाइक्स में, इस रेंज की बाइक्स में इसकी सबसे अच्छी अट्रैक्टिव लुकिंग है। और इस बाइक का ये प्लस पॉइंट है, इस बाइक में आपको हर जगह LED मिलेगी। कंपनी क्लेम करती है इसकी एवरेज 35 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो टॉप स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर रहती है। और जो इसका ये जो टैंक देख रहे हैं, ये 9.5 लीटर का है। देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पे एयर कूलर लगा हुआ है। जब बाइक ज्यादा हीट हो जाती है तो ये बाइक को वापस उसी टेम्परेचर में लाता है। आप इसकी सीट हाइट देख रहे हैं, ये 820 mm की रहती है। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी 178.5 mm की रहती है। कलर ऑप्शन इसका एक ही आता था उसी टाइम में, व्हाइट एंड ब्लैक, जो ये आपके सामने देख रहे हो। आज की टाइम की बात करें तो अब बहुत सारे कलर्स आने स्टार्ट हो गए KTM RC के अंदर। पहले के टाइम में इसका एक ही वेरियंट आता था 200, जो हम इसका रिव्यू कर रहे हैं। आप पूछो मत, 125 cc में भी आने लगी है ये बाइक अब 390 cc में भी आने लगी है, और बहुत ऑप्शन आ चुके हैं अब इस बाइक में। की सीट की बात करें एज कम्पेयर टू अदर बाइक्स, ये बहुत हार्ड रहने वाला है। एक घंटा भी अगर इसके ऊपर बंदा बैठेगा ना, तो वो उसकी कमर दुख सकती है। और रही बात उसकी पकड़ने की, तो बस यही एक ऑप्शन मिलता है यहाँ इसके पकड़ने का, बाकी यहाँ मिलता है ऑप्शन पकड़ने का, तो इतना अच्छा पकड़ नहीं पाएगा बंदा, बट यहाँ से पकड़ लेगा। इस साइड नहीं मिलता आपको, बस एक ही जगह मिलता आपको ये पकड़ने का। पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो भाई इसकी सीट बहुत पसंद है मेरे को, क्योंकि इस पे बंदा बैठता है ना और यहाँ बंदा बैठता है, तो उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। ऐसा लगता है कि पहाड़ पे बैठा हुआ है बंदा। मैं आपको भी रिव्यू दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये बैठा पहाड़ पे। लॉन्ग जर्नी में पीछे वाले बंदे को तकलीफ हो सकती है, उसकी कमर दुख सकती है, लेकिन आगे वाले को ठीक रहेगा इतना। सीटिंग पोस्चर की बात करें तो इस बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, वो तो ठीक है। और इस बाइक को अगर चलाना होगा तो आपको थोड़ा सा बैंड करके चलाना होगा। जो नॉर्मल बाइक चलाते होंगे, जो नॉर्मल बाइक से इसमें स्विच करेंगे, तो उनको थोड़ा बैक में पेन हो सकता है फर्स्ट टाइम में, बट जब वो जैसे जैसे हैबिचुअल होते जाएंगे तो उनको आदत पड़ती जाएगी। तो इसके ओनर ने मेरे को बताया अभी कि उन्होंने 800 किलोमीटर इसको ट्रिप करी थी, यूपी गए थे वो, तो इसके प्रोजेक्टर्स इतने अच्छे वर्क करे थे नाइट में। उन्होंने 200-300 किलोमीटर ड्राइव करा नाइट में, उनको कहीं कोई लाइट की प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ ना, तो मेरे को भाई ये बाइक लिटरली दिल से पसंद है, क्योंकि सबसे अट्रैक्टिव है। और सच बताऊँ ना, तो जो मैंने स्पोर्ट्स बाइक अपनी लाइफ में पहली बार चलाई थी ना, तो वो मैंने यही बाइक चलाई थी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना हिमांशु जी और बॉक्स को। तब तक के लिए मिलते हैं।